हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये रोजगार समाचार है अगस्त 2020 के फोर्थ वीक का। 15 विभागों में 11,000 से ज़्यादा वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन है। आमतौर पे मैं ये वीडियो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से बनाता हूं जो गवर्नमेंट की ओर से जारी होता है न्यूज़पेपर, लेकिन इस बार का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है उसमें एक भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो मैं आपको बता सकूँ। तो मैंने जो राज्यों में जो वैकेंसी है, इसके अलावा जो PSU ने खुद ही वैकेंसी जारी की है अपनी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। ओके, आप लोग हर बार पूछते हो, बोलते हो कि मैं बहुत कम इन्फॉर्मेशन देता हूँ रोजगार के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के, लेकिन सवाल ये है कि गवर्नमेंट अगर जारी करेगी तभी तो मैं बता पाऊँगा। मैं यहाँ पर असली और पूरी पुख्ता जानकारी के साथ ये इन्फॉर्मेशन देता हूँ, इसलिए बहुत कम इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। ओके, जो कि बिल्कुल सटीक होती है। ठीक है, शुरू करते हैं। और पहली इन्फॉर्मेशन है UPSC से। यहाँ पर 209 पद हैं असिस्टेंट कमांडेंट CAPF एग्जामिनेशन के 2020। योग्यता होनी चाहिए ग्रेजुएशन, एज लिमिट है 20 से 25 साल, लास्ट डेट है 7 सितंबर 2020। एप्लीकेशन फ़ी है ₹200 फॉर जनरल एंड OBC, और फ़ी नहीं लगेगा SC ST और सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए। सैलरी अच्छी मिलती है इसमें। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में आप असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं, जैसे CRPF, BSF, इसके अलावा ITBP। ओके, तो इन सब में बन सकते हैं आप। तो ऑल इंडिया के मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल मैंने इन्फॉर्मेशन और लिंक अप्लाई करने का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगली इन्फॉर्मेशन है राजस्थान सुपरिटेंडेंट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, यानी RSMSSB। यहाँ पर 1211 पद हैं स्टेनोग्राफर के लिए। योग्यता होनी चाहिए 12th पास प्लस पोस्ट रिटायरमेंट, यानी सर्टिफिकेट होना चाहिए कोई भी इससे रिलेटेड। ओके, एज लिमिट है 18 से 40 साल, लास्ट डेट फॉर्म भरने के लिए 24 सितंबर, ये 28 अगस्त से ये शुरू हो रहा है। एप्लीकेशन फ़ी 250 से 450 रुपये के बीच में है और सैलरी ठीक ठाक ही है। अगली वैकेंसी आ रही है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCET, ये 18 पद हैं यहाँ पर। LDC स्टेनोग्राफर असिस्टेंट एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर, योग्यता होनी चाहिए 12th पास या ग्रेजुएशन, कोई भी डिग्री हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 18 से 27 साल, लास्ट डेट है फॉर्म भरने के लिए 19 सितंबर। एप्लीकेशन फ़ी ₹1,000 से 1,250 रुपये के बीच में है जनरल OBC के लिए, और फ़ी नहीं लगेगा SC ST और सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए, इसके अलावा एक्स सर्विसमैन के लिए। और सैलरी आप देख रहे हो अच्छी खासी है, करीब 1,12,000 तक सैलरी चली जाती है। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना, न्यू दिल्ली में ये वैकेंसी सामने आई है। अगली वैकेंसी है नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड में, यहाँ पर 220 पद हैं स्टेनोग्राफर डेटा एंट्री ऑपरेटर टेक्नीशियन मार्केटिंग एग्रीकल्चर इंजीनियर्स क्वालिटी कंट्रोल, योग्यता होनी चाहिए 12th पास या ITI या डिप्लोमा या लॉ ग्रेजुएट या BE या BTEC, BCA या BSc या ग्रेजुएशन या MSc या MBA, कोई भी डिग्री हो इनमें से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है मैक्सिमम 30 ईयर्स, लास्ट डेट है एक्सटेंड किया गया है 31 अगस्त के लिए। एप्लीकेशन फ़ी कुछ के लिए 0 है, कुछ के लिए ₹500, और सैलरी आप देख रहे हो अच्छी खासी मिलेगी, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है ऑयल इंडिया लिमिटेड में, यहाँ 36 पद हैं ऑपरेटर और ग्रेड ये 7 के लिए। योग्यता होनी चाहिए 12th पास प्लस ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और थोड़ा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, एक्सपीरियंस पर्सनल भी है तो भी चलेगा या प्राइवेट। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 साल है फॉर्म भरने के लिए और लास्ट डेट है 18 सितंबर। एप्लीकेशन फ़ी ₹200 है फॉर जनरल OBC और फ़ी नहीं लगेगा SC ST और एक्स सर्विसमैन को। सैलरी अच्छी खासी बताई गई है, केवल पुरुष ही अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अगली वैकेंसी है इरिगेशन डिपार्टमेंट असम और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट असम में, दो डिपार्टमेंट में ये पद, देखिए 637 पद हैं जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर। योग्यता होनी चाहिए इंजीनियरिंग डिप्लोमा या डिग्री। एज लिमिट है 18 से 38 साल, लास्ट डेट है 22 सितंबर। एप्लीकेशन फ़ी ₹250 फॉर जनरल एंड EWS और ₹150 है SC ST OBC। ओके, फ़ी नहीं लगेगा BPL के लिए और सैलरी अच्छी खासी है, 1,10,000 तक सैलरी चली जाती है पर मंथ। अगली वैकेंसी है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये जम्मू में है, 125 पद हैं 125 स्टाफ नर्स। योग्यता होनी चाहिए 10th पास प्लस डिप्लोमा इन नर्सिंग। एज लिमिट है मैक्सिमम 45 ईयर्स, लास्ट डेट है 30 अगस्त। फ़ी नहीं लगेगा अच्छी बात है और सैलरी
ठीक ठाक ही है। अगली वैकेंसी लेने से पहले आपको बता दूं कि 2020 का जनवरी टू जुलाई तक का करंट फोर साइड बबल है, तमाम आपके एग्जामिनेशन में काम आएगा, जो भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हो उस सब में। ओके, पीडीएफ है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, 2019 का भी है और 2019 का बुक भी अवेलेबल है अमेजन पे। तो अगली जो वैकेंसी है उसके बारे में मैं पिछले सप्ताह भी बता चुका हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं फिर बता रहा हूँ। अगली वैकेंसी है ये दिल्ली पुलिस से, यहाँ 5,846 पद हैं, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव। आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, योग्यता होनी चाहिए 12th पास, एज लिमिट है 18 से 25 साल, लास्ट डेट है फॉर्म भरने के लिए 7 सितंबर, फी जो है 100 रुपीज़ है और सैलरी अच्छी खासी है, दिल्ली में ये नौकरी है बेहतरीन। अगली वैकेंसी है इंडियन आर्मी से है, 99 पद हैं, सोल्जर जनरल ड्यूटी। ओके, सोल्जर जनरल ड्यूटी वुमेन्स के लिए है, वुमेन्स मिलिट्री पुलिस में, योग्यता होनी चाहिए 10th पास, एज लिमिट है 17.5 साल से 21 साल, लास्ट डेट है 31 अगस्त और सैलरी के बारे में कहा गया है कि अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। अगली वैकेंसी है बिहार पुलिस से, यहाँ पर 2,213 पद हैं, सब इंस्पेक्टर यानी SI। ओके, योग्यता होनी चाहिए ग्रेजुएशन, एज लिमिट है 20 से 37 साल मेल के लिए, पुरुषों के लिए, और 20 से 40 साल फीमेल्स के लिए, महिलाओं के लिए। इसके अलावा रिजर्वेशन का लाभ बिहार के लोगों को मिलेगा। लास्ट डेट है फॉर्म भरने के लिए 24 सितंबर, एप्लीकेशन फ़ी आप देख रहे हो 400 रुपये से 700 रुपये के बीच में है और सैलरी बहुत बेहतरीन है, आप देख रहे हो 1 लाख से ज़्यादा तक सैलरी चली जाती है। महिला पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं, देश भर के युवा। रिजर्वेशन का लाभ सिर्फ बिहार के युवाओं को ही मिलेगा। अगली वैकेंसी आ रही है सशस्त्र सीमा बल यानी SSB से, यहाँ पर 1522 पद हैं कांस्टेबल के, कई तरह के पद हैं लेकिन इसका जो फॉर्म है वो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। इसका जो नोटिफिकेशन है वो DAPP यानी जो गवर्नमेंट की साइट है उस पर आ चुका है, लेकिन अभी इसमें ये लिखा है कि जब तक कि ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में पब्लिश नहीं होगा तो हो सकता है आने वाले वक्त में, आने वाले सप्ताह में, अगले सप्ताह इसका नोटिफिकेशन आ जाए, तब आप फॉर्म भर पाएंगे इसका। योग्यता होनी चाहिए 10th पास या डिप्लोमा, डिप्लोमा मतलब संबंधित ट्रेड में। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 साल है, लास्ट डेट है फॉर्म भरने के लिए, 30 दिन मिलेगा जब ये पब्लिकेशन हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में। ओके, तो बहुत सारे लोग ये कमेंट करके पूछ रहे हैं कि फॉर्म का लिंक नहीं मिल रहा है, तो अभी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में पब्लिश होने दीजिए, तब उसके बाद 30 दिन तक आपको वक्त मिलेगा फॉर्म भरने का। एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ है फॉर जनरल और OBC और फ़ी नहीं लगेगा सभी कैटेगरी की महिलाएं और SC ST और एक्स सर्विसमैन को, और सैलरी अच्छी खासी आप देख रहे हो, देश भर के युवा इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अगली वैकेंसी आ रही है UPSC से, ये इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए है, 15 पद हैं, ये बहुत अच्छी नौकरी मानी जाती है इकोनॉमिक्स को लेकर। योग्यता होनी चाहिए PG डिग्री इन इकोनॉमिक्स, एज लिमिट है 21 से 30 साल, लास्ट डेट फॉर्म भरने के लिए 1 सितंबर 2020 और फ़ी नहीं लगेगा SC ST PWD और सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए, और अदर्स के लिए 200 रुपीज़ फ़ी होगा। सैलरी अच्छी खासी बताई गई है, इसमें भी देशभर के युवा अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों। अगली वैकेंसी आ रही है इंडियन आर्मी से, या 90 पद हैं, 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम के तहत हो रही भर्ती, 12th पास इसमें अप्लाई कर सकते हैं लेकिन PCM होना चाहिए सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, तभी अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट है 16.5 साल से 19.5 साल, लास्ट डेट फॉर्म भरने के लिए 9 सितंबर, एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा बेहतरीन बात है, और सैलरी बहुत ही बेहतरीन है 2.25 लाख तक सैलरी चली जाती है, केवल अनमैरिड पुरुष ही अप्लाई कर पाएंगे, तो नीचे डिटेल डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगली वैकेंसी है ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से, यहाँ पर 171 पद हैं, जूनियर असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर, योग्यता होनी चाहिए ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 32 साल है, लास्ट डेट इसका एक्सटेंडेड 31 अगस्त और फ़ी जो है वो है 500 रुपये से लेकर 1,000 रुपये के बीच में, और सैलरी ठीक ठाक ही देखने को मिल रही है, फर्स्ट ईयर ये सैलरी मिलेगी, उसके बाद बढ़ जाएगी सैलरी। अगली वैकेंसी आ रही है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड से, यहाँ 16 पद हैं असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए, योग्यता होनी चाहिए ग्रेजुएशन विद हिंदी टाइपिंग आना चाहिए, एज लिमिट है 21 से 40 साल, लास्ट डेट फॉर्म भरने के लिए 29th सितंबर, एप्लीकेशन फ़ी है 700 to 1,000 रुपीज़ और सैलरी आप देख रहे हो अच्छी खासी है, ऑनलाइन फॉर्म भर जाएंगे। तो दोस्तों ये था रोजगार समाचार, हम लोग हर संडे की रात 8 बजे ये वीडियो अपलोड करते हैं, और आपको फिर से बता दूं कि 2020 का जनवरी टू जुलाई तक का करंट अफेयर्स अवेलेबल है, PDF विद नोट्स, बहुत रिच कंटेंट है, आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। ओके, और अगले बार फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे को रोजगार समाचार के साथ।